कुशीनगर की फाजिल नगर जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री रहे, फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जब पार्टी में शामिल हुए सपा में, उसके बाद पडरौना से चुनाव ना लड़के फाजिल नगर से चुनाव लड़ना। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए फाजिल नगर से जो वर्तमान विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा, वो मौजूद हैं। इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, उनके बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। गंगा सिंह जी, आप दो बार विधायक यहाँ पर रहे, 12 में जीते फिर 17 में जीते, इस बार बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, वजह उम्र ही है या कोई और? बीजेपी टिकट मुझे उम्र का नाते नहीं दिया, 86 वर्ष की अवस्था मेरी हो चुकी है, टिकट पाने का हकदार मैं नहीं था। लेकिन मेरे कार्य, मेरे विकास के कार्य जो किया है मैंने, दो टर्म में 10 वर्षों में जो मैंने काम किया है, वो काम भाजपा ने आका है और उस भाजपा के आंकड़े के आधार पर उनको टिकट दिया हमारे पुत्र लड़के को। तो आपने पार्टी में पहले बता दिया था और ये आपने टिकट की मांग की थी क्या कि हमें दिया जाए, परिवार में दिया जाए? मैं मांगा ही नहीं, मैं टिकट आपने मांगा नहीं था? नहीं, जानता भी था कि नहीं मिले बात, मांगने क्यों जाऊँ। अच्छा, हाँ, ये लड़के टिकट मांगा था, आपने मांगा था लड़के टिकट मांगा था, और ये भी है कि लड़के ने टिकट मांगा था, केवल लड़का ही जाकर मेरा बायोडाटा दिया था, मैं खुद किसी नेता से कहने नहीं गया था, लड़का बायोडाटा जाकर दे आया था और उसी बायोडाटा के आधार पर उसको टिकट मिल गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने जो काम किया दो बार विधायक रहते हुए, उस वजह से बीजेपी ने आपके ही बेटे को टिकट दिया जी। और बीजेपी तो दूसरी पार्टियों कहती है परिवारवाद की पार्टी है, तो क्या इससे आरोप बीजेपी पर नहीं लग रहा है कि पहले आपको टिकट दिया, अब आपके बेटे को टिकट दिया? परिवारवाद की पार्टी न भाजी बीजेपी है और न हमारे लड़के को टिकट दे करके पार्टी ने परिवारवाद का कोई उदाहरण खड़ा किया है। लड़का हमारा विद्यार्थी परिषद में रहा है, शिक्षक रहा है, शिक्षक रहते हुए वो काम किया है, 12 वर्षों से 15 वर्षों से लगातार क्षेत्र में रहा है, क्षेत्र के जन जन से परिचय उसका है, क्षेत्र उसकी पहचान बन चुकी है, उसके पहचान के नाते उसको टिकट मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ रहे, आपकी सरकार में मंत्री भी रहे, फिर मंत्री पद छोड़ा, पार्टी छोड़ी और सपा में आ गए, अब वो फाजिल नगर से अपना दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, कह रहे हैं बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे, दावों में उनके कोई सच्चाई है क्या? अगर उनका इतना दम होता तो प्रतापगढ़ से पड़वरा क्यों आते, और उसके बाद भी काम किए होते पड़वरा में, तो पड़वरा से भगकर के फाजिल में क्यों आते? पड़वरा के उनको खोज रहे थे, अगर पड़वरा में इस बार वो होते तो उनकी बधिया बैठ जाती। हम आज नया सीट तलाशते हैं और ये सुरक्षित समझ करके यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से इनका बोरिया बिस्तर बन रहा है और सीधे प्रतापगढ़ यहाँ से उनको जाना है। अच्छा जी, यानी उनके लिए आसान नहीं है जीत यहाँ, बीच में कोई उनको आसान नहीं है, यहाँ से सीधे बोरिया बिस्तर बांधेंगे और प्रतापगढ़ का शरण मिलने वाला है। यहाँ की जनता, एक एक जनता जो यहाँ की है वो उनके कारनामे को पहचानती है और हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, हमारे कार्य को भी देखती है, इस नाते उनको कुछ नहीं होने वाला है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है और उनका उनकी राजनीति खत्म होने वाली है। अच्छा, आप उनकी राजनीति यहाँ खत्म कर देंगे? जी बिल्कुल, तय है, पक्का है। एक सवाल, जो आपने बात कही कि वो सुरक्षित मान के आए थे क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट बहुत है, हाँ। तो वो उनके साथ जाएगा, यादव वोट बैंक उनके साथ जाएगा, तो मुश्किल तो बीजेपी के लिए हो जाएगी, वो कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये जो पहले का जो ये है परिभाषा है, इसमें बदल रहा है। इलियास अंसारी खड़े हैं बसपा से, स्वपसा मोर्चा खड़े हैं सपा से, यादव वोट है, यादव बंधु यहाँ पर होंगे, यादव वोट भी उनको जाएगा, लेकिन हमने जो काम किया है 5 वर्षों में, मैंने ना कोई जात पहचाना है ना कोई धर्म पहचाना है, जो भी मेरे से काम मांगा, जो हम करने के लायक हुआ, अपने हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जात के लोग, हर पार्टी के लोग को मैंने दिया है। हमारे सामने कोई पार्टी रही है और न कोई धर्म रहा है, ना कोई संप्रदाय रहा है, ना कोई जात रही है। आपके सामने कभी नहीं रहा, आपने ये नहीं देखा, सबका साथ सबका विकास के नारे पे आप चले? पहली यही बात है कि हमारी पहचान हर बिरादरी में है, हर बिरादरी मेरा सम्मान है, हर बिरादरी को मैं सम्मान देता था, सम्मान प्राप्त कर रहा हूँ। 10 मार्च को क्या होगा, सुरेंद्र कुशवाहा जाएंगे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं फाजिल नगर जनता तो नहीं जिताएगी? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो जाने कोई प्रश्न ही खड़ा होता है, यहाँ से वो तो जमानत जब्त करा के जा रहे हैं। अच्छा, उनकी जमानत आप कह रहे हैं जब्त होगी? हमारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त होगी क्या? एकदम तय है, उस स्वभाव से कोई नहीं है, तय है, पक्का है। आपको इतना भरोसा है फाजिल नगर की? भरोसा है, पक्का भरोसा है, पक्का भरोसा है।
तो यह आपने सुना क्या कहना है, फाजिल नगर में जो वर्तमान विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा, उम्र की वजह से बीजेपी ने तीसरी बार टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जमानत है वो फाजिल नगर की जनता जब्त कर देगी और फिर वो फाजिल नगर से सीधे प्रतापगढ़ जाएंगे। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।